नगर निगम और पुलिस पर उस वक्त कुछ लोगों ने पथराव कर दिया जब प्रशासनिक अमला अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के मोती नगर की घटना में फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद देखते ही देखते रहवासियों ने उधम शुरू कर दी और मौके पर वाहनों में भी तोड़फोड़ करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को खदेड़ते हुए घटना स्थल से भगा दिया। घटना के बाद पुलिस ने कुछ असामाजिक तत्वों को नानाखेड़ा से हिरासत में ले लिया। निगम प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम ने पूर्व में ही मोती नगर में जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन बावजूद इसके कई लोगों ने जमीन पर कब्जा करते हुए मकान खड़े कर लिए। इसके अलावा कुछ मकानों के बाहर तो दुकानों का भी संचालन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर मोती नगर के रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन नियमों का हवाला देकर रहवासियों की सुनवाई को दरकिनार कर दिया गया। बता दें, माननीय न्यायालय ने पहले भी जमीन खाली करने के आदेश क्षेत्र के लोगों को दिए। इस मामले में डबल बेंच में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की गई और इस मामले की सुनवाई के चलते मंगलवार की दोपहर निगम का अमला कार्यवाही के लिए पहुंचा, लेकिन बाद में बिना कार्यवाही किए ही अमला लौट आया। हालांकि निगम अमले को देख कुछ लोगों ने अपने मकानों को खाली करने का काम भी शुरू कर दिया था। इधर बुधवार दोपहर में निगम की टीम मकानों को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन विरोध हुआ तो कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर से शुरू की गई। शुरू होते ही वहां के रहवासी ने पथराव कर दिया। ये सेतु निगम की एक भूमि है, शासकीय भूमि है। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से रजिस्ट्रेट की जानी थी, जिसमें काफ़ी लंबे समय से लोगों को नोटिस भी दिया हुआ है और ये कार्रवाई चल रही थी, और आज रिमूवल के लिए टीम आई थी। तो टीम के साथ में कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और अभी कार्रवाई वापस होने जा रही है। हाँ, वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जो उपद्रवियों ने पत्थर मारे उनसे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। नहीं, घायल का तो अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी घायल की सूचना भी नहीं है हमारे पास। नहीं, अभी तो सिविल रेस्क्यू बोले ऐसे कुछ नहीं चलाए गए। कुछ लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे उन लोगों को पकड़ा गया है। ये सेतु निगम को ये जमीन भू अर्जित करके दी गई थी और उस पर जो मकान बन गए थे लगभग 100, 102, 103 मकान हैं, और अनधिकृत रूप से मकान बना लिए गए थे, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत हुआ था और वो निर्देश प्राप्त हुए, कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।